बिलासपुर में पति ने पत्नी की हत्या करके 6 टुकड़े किए। 2 महीने से पानी की टंकी में छिपाकर रखी थी लाश। जगदलपुर में 7 युवकों ने मिलकर किया गैंगरेप। लड़की के भाई को धमकी देकर भगाया, फिर घसीटकर जंगल में की दरिंदगी। सीएम भूपेश बघेल ने आंगनबाड़ी कर्मियों को अब बढ़ाए मानदेय। महासमुंद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर खेली होली। जगदलपुर में पुलिस ने नशे के कारोबार पर कसी नकेल। नशीली दवाई की तस्करी करते आरोपी को किया गिरफ्तार। ईडी ने विधायक देवेंद्र यादव को भेजा समन। 7 मार्च को बुलाया दफ्तर, समय पर नहीं पहुंचने पर दी कार्यवाही की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए महासमुंद जिले के 3500 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को बड़ी सौगात दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का मानदेय 6500 से बढ़ाकर 10000 और सहायिकाओं का 3500 से 50 से बढ़ाकर 5000 कर दिया है, जिसके बाद 43 दिनों से आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर होली खेली। साथ ही मुख्यमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बौलादा में पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस की पूछताछ में आरोपी कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। आरोपी बिना किसी सर्टिफिकेट और सरकारी दस्तावेज के अपने घर में डॉक्टर का बोर्ड लगाकर इलाज करता था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया है। बलौदा में पुलिस ने चोरी का लोहा सरिया चुराने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चोरी का लोहा बेचने के फिराक में थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से करीब 80 किलोग्राम का सरिया बरामद किया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई पिकअप बोलेरो भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। बिलासपुर में एक श्रद्धा मर्डर केस जैसी घटना सामने आई। घटना में आरोपी पति ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर उसके शव को कई टुकड़ों में कर करके पानी की टंकी में फेंक दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस आरोपी के घर नकली नोट पकड़ने गई थी। बता दें कि आरोपी घर में नकली नोट छापने का काम करता था। नकली नोट छापने में 2 और आरोपी शामिल थे। मौके पर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही अन्य 2 आरोपी फरार हैं। रायगढ़ में हो रही बाइक चोरी के मामले में पुलिस गश्त के दौरान साइबर सेल स्टाफ ने 5 पेशेवर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी के 3 बुलेट और 5 बाइक बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इस टीम ने जो सिलसिलेवार चोरियां हो रही थी उसको, उसमें जो कुछ मुख्य आरोपी थे, जो खरीदार थे, कबाड़ी थे, इनकी एक टीम को इसमें पकड़ा गया है, जो इसमें इन वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इसमें मूलतः जनवरी फरवरी माह में हुए जो बुलेट चोरी के प्रकरण थे, अन्य जो वाहनों के प्रकरण थे, उनमें कुछ वाहन बरामद भी किए गए हैं। ये पूरे प्रकरण में जो गिरफ्तारी और जो पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ये रात की गश्त से ये चोर पहले एक पकड़ाया है, जो रिंकू बाघ नाम का चोर है। जब ये पहली दफ़ा पकड़ाया, यहाँ पर साइबर सेल की टीम ने इसको पकड़ा, उस समय जो इसके पास मोबाइल था, जब उसकी जांच की जा रही थी, ये वहाँ पर से मौके पर से भागने लगा। बाद में जब इससे पूछताछ की गई, इसके बारे में इंक्वायरी की गई, तो ये कनकपुरा उड़ीसा में इसके नाम से पहले बोलेरो के चोरी के एक प्रकरण में इसका जेल जाने का हमको जानकारी मिला, जिसके बाद हमने इससे फिर बाद में और ज़्यादा विस्तृत पूछताछ की, जिसमें कम से कम 15 से 20 बाइकों का इसने हमें डिस्क्रिप्शन दिया है।
जगदलपुर में अवैध नशीली प्रतिबंधित दवाई के विक्रय पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 46,000 के प्रतिबंधित सिरप के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध रूप से नशीली कैप्सूल और कप सिरप को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में है। सूचना पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर के बताए युवक की पहचान कर घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज दिया गया। में लगातार नशीली दवाइयों के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज मुखबिर के द्वारा यह सूचना मिली कि एक संदेही बलिराम कश्यप वार्ड में कुछ नशीली सिरप और दवाइयों लेकर बेचने ग्राहक के तलाश में है, जिस पर थाना बोधघाट की टीम के द्वारा घेराबंदी कर आरोपी जिसका नाम घासीराम है और कुम्हारपारा का निवासी है को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से रिलैक्स कप सिरप 100 ml वाली सीसी, 50 cc और पिवान अस्पास प्लस कैप्सूल 64 नग बरामद किए गए हैं। जगदलपुर में पुलिस ने दुष्कर्म के अपराध में शामिल आरोपियों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि प्रार्थिया ने थाना में घटना का लिखित आवेदन दिया था। पीड़िता अपने परिजनों के साथ मेला देखने गई थी, जहां 7 लोगों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाया और जंगल में ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की थी और कार्यवाही करते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया है। पीड़िता थाना दरभा क्षेत्र के रहने वाली है। पीड़िता अपने रिश्तेदारों के साथ कल मावली पदर में मेला आयोजित था, उसको देखने गई थी और मेले में ही उसका दूर का रिश्तेदार, उसके मामा का लड़का भी आया हुआ था। कुछ देर मेले में रहने के बाद पीड़िता अपने मामा के लड़के के साथ पास ही एक मैदान था, वहाँ पर खाना खाने गई थी और वहाँ खाना खा के जब वो लौट रहे थे, उसी समय पर घूमड़पाल गांव के 7 युवकों ने मिलके इनका रास्ता रोका था और रास्ता रोक के डरा धमका के युवती के मामा के लड़के को वहां से भगा दिया और पीड़िता को काफी दूर तक जंगल में एक तालाब के पास ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित किए। जगदलपुर में होली का त्यौहार अनोखी परंपराओं के साथ मनाया जाता है। यहाँ गांव में राज परिवार का ही कोई सदस्य होलिका दहन करता है। इस दौरान कई गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। होलिका दहन पर राजवंश का कोई सदस्य ग्रामीणों के बनाए गए काष्ठ रथ पर सवार करके पारंपरिक ढंग से होलिका दहन को स्थल तक ले जाते हैं। होलिका दहन के बाद वहाँ के अंगार को राजा अपने राजमहल लेकर जाता है और फिर उसके लोग दूसरे दिन होली का आनंद लेते हैं। और यहाँ ऐतिहासिक होली जलता है, समझो बस्तर जिला का पहला होली यही माड़पाल से शुरू होती है और ये प्रथा है कि मतलब ना यहाँ जो यहाँ के जो राजा थे ना, राजा मतलब ना जगन्नाथपुरी गए थे, जगन्नाथपुरी का आपसी पश्चात यहाँ एक नरसिंहदेव करके मतलब जो इस ग्राम के मुखिया थे उनके साथ मिलकर फिर अच्छे रूप से मतलब यहाँ बनाने का प्रथा चला और यहाँ से फिर राजा जब यहाँ जलाना स्टार्ट किए तो फिर यहाँ से जो आग जला के आग मतलब ना होलिका दहन करके फिर जगदलपुर ले जाते थे, जगदलपुर से फिर दंतेवाड़ा तक मतलब पहुँचाया जाता था। सरसेवा में आगामी होली के त्यौहार को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आयोजित इस बैठक में तहसीलदार और थाना प्रभारी ने होली को शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाने के संबंध में चर्चा की, साथ ही हुड़दंग मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही। इस बैठक में वरिष्ठ पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सरपंच, व्यापारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कोरिया में आदिवासी वनांचल के प्राथमिक पाठशाला में बच्चों को मेनू के मुताबिक खाना नहीं मिलता है, जहां एक ओर शासन बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मेन्यू के हिसाब से रोज पौष्टिक आहार उपलब्ध कराती है तो वहीं दूसरी ओर शिक्षक अपनी मनमर्जी से बच्चों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। वहीं इस मामले पर BEO का कहना है यदि ऐसी कोई बात है तो उसकी जाँच की जाएगी। महासमुंद में आगामी होली त्यौहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने थाना परिसर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकों, समाज प्रमुखों और पत्रकारों की एक बैठक आयोजित की गई, जहां होली को शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाने के संबंध में चर्चा हुई, साथ ही हुड़दंग मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही। वहीं इस बैठक में मुख्य आकर्षण का केंद्र साइकिल पर भारत यात्रा में निकली आशा मालवीय रही, जिनका थाना परिसर में उत्साहवर्धन करते हुए सम्मान किया गया। बता दें कि आशा मालवीय स्पोर्ट्स में नेशनल प्लेयर हैं।
आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस